ये घर है हीरा, जो कि जबले नूर की चोटी पे है। यह पहुंचने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मक्का में हैं तो आप ये जगह स्किप नहीं कर सकते। मुझे भी 24 घंटे लगे हैं पाकिस्तान से यहाँ पे पहुंचने के लिए। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज फाइनली मैं जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट। मुझे काफ़ी टाइम लगा इस टूर को प्लान करने के लिए। एक तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी गर्मी होती है, तो गर्मियों में प्लान नहीं किया जा सकता था। दूसरा ये कि मैं प्लान कर रहा हूँ इसराइल तक जाने का, जेरूसलम सिटी देखने का, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। एक्चुअल प्लान ये है कि यहाँ से सऊदी अरब जा रहा हूँ, कुछ दिन सऊदी अरब में गुजारेंगे, उसके बाद रास्ते में कुछ और डेस्टिनेशन है वो देखते देखते इंशाल्लाह जेरूसलम पहुँचेंगे, और फिर एंड पे फ़लस्तीन के लोगों का कल्चर और जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च करेंगे, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फाइनली आई एम इन सऊदी अरेबिया। मेरे लिए ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम है कि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, दिस होली प्लेस। आई एम सो एक्साइटेड, लेकिन मेरी शक्ल से लग नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत नींद आई हुई है। कल शाम से मैं निकला हुआ हूँ, अभी सुबह के 8-9 बज रहे हैं, अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। वैसे मेरा आज उम्र का प्लान था, लेकिन जो मेरी थकावट, मेरी फिज़िकल कंडीशन है उसको देखते हुए उसको मैंने स्किप कर दिया है। फन ना हो या तो रात को करेंगे या कल सुबह, लेकिन अभी सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर जाना है, जाके नाश्ता करना है, उसके बाद देखते हैं आज क्या कुछ किया जा सकता है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, 400 से 500 यूरो की आपको सऊदी एयरलाइन की टिकट मिल जाती है। सर्विस को ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तान में वीज़ा अरेंज करना पड़ेगा, इसके तकरीबन $125 फीस है। लेकिन अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है तो आपको ऑन अराइवल भी वीज़ा मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप सऊदीया में लैंड करते हैं जो सबसे पहला काम है ना, वो यह कि सिम कार्ड ले लें और आप पैकेज करवाएँ ताकि आप कम्युनिकेशन ईजिली कर सकें। दूसरा काम आपने ये करना है कि करंसी चेंज कर लें, लोकल करंसी होना बड़ी ज़रूरी है। तीसरा काम है ना, वो है आपने रेंट की गाड़ी ले लेनी। अब सब ओके है, इंटरनेट भी आपके पास, पैसे भी हैं और गाड़ी भी है, कहीं पे जाना हो। इंटरनेट से सबसे पहले ढूंढेंगे रेस्टोरेंट, वहाँ से खाएंगे खाना, बाकी के सारे काम उसके बाद। और ये हैं परवेज भाई, आप मेरी पुरानी वीडियोस शायद इनको जानते होंगे। ये जर्मनी सिर्फ सऊदी अरब के लिए आए हैं, सऊदी अरब के बाद ये वापस जर्मनी चले जाएंगे और मैं अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जी, ये फर्स्ट लुक सऊदी अरेबिया की, बिल्कुल ड्राई खजूरें रेगिस्तान। अच्छा, मैं सख्ती से तलकीन की गई थी कि स्पीड ना उसका ख़ास ख्याल रखना है। ये स्पीड बोर्ड नज़र आ रही है ना, इस पर नंबर लिखे हैं अरबी में। तो सबसे पहला मसला, यहाँ पर जो स्पीड बोर्ड है वो अरबी में लिखे हुए हैं, तो आपको बेसिक अरबी सीखनी पड़ेगी। और स्पीड्स फाइन बताए जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा हैं, अगर आप रेड ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हैं तकरीबन 3,000 दिरहम जुर्माना है, जो कि तकरीबन 900 यूरो बनता है। ओ वाओ। और दूसरा मसला है वो है पार्किंग का। आपको नहीं पता कि यहाँ पार्किंग के क्या रूल्स हैं, आप सड़क के किनारे पार्किंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सेफ यही है कि एक पार्किंग स्लॉट ढूंढें और वहीं पर गाड़ी पार्क करें। एक अच्छा सा ढाबा ढूंढें, फिर वहाँ से टिका के खाना खाएं, कभी बहुत कुछ करने वाला है। शदीद गर्मी, नवंबर का महीना था, मुझे उम्मीद थी कि मौसम ठीक होगा यहाँ पे, लेकिन बहुत गर्मी है, इसके बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। अभी जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे ना, इंडियन रेस्टोरेंट था, जहाँ से हमने गाड़ी रेंट आउट किया ना, वहाँ बंदा एक इंडियन काम करता, उसने रिकमेंड किया था, वैसे जैसे घर का खाना होता था, बिल्कुल बेसिक उस तरह का था। चीज़ यह है कि मुझे ज़रा कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ याद आ गई, उस वक्त ऐसे खाने खाते होते थे जब हम फैसल टाउन फ्लैट में रहते होते थे। बहरहाल अभी हम जद्दा में यहाँ से निकल रहे हैं मक्का की तरफ, जो हमने डेस्टिनेशन हमें सोची हुई थी, हम कुछ ना कुछ हम आज कर सकते हैं होटल में चेक इन करने से पहले, तो अभी निकलते हैं, टाइम सेव करते हैं, बाकी आपको वहीं जाकर बताता हूँ।
35 डिग्री है टेम्परेचर नवंबर में। गर्मियों में यहाँ क्या बनता होगा। सारी रात नाश हो गया ना, फिर जो गाड़ी चलाने वाला सीन है ना, ये नहीं ठीक। शदीद नींद आ रही है। हमें चाहिए बबल गम। ये नींद आ रही हो ना, मैं गम खाना शुरू कर देता हूँ। और कोई ना कोई हरकत होती रहती है तो नींद कम आती है। अभी हम एक्चुअल जा रहे हैं मक्का म्यूजियम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजियम इन मक्का। यहाँ पर मक्का की सारी हिस्ट्री प्रिजर्व की हुई है अकॉर्डिंग टू गूगल। तो जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल है क्या। खोलते रहे यार। रेनोवेशन हो रही है यही था, इसलिए कोई बनाया था यहाँ पे कि बंद है और कह रहे हैं 2 महीने लेंगे इसको खुलने के लिए। चले कोई नहीं, साथ साथ ही चलता है। थोड़ा रिफ्रेश होके अभी हम अगली डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि है गारे हीरा। यहाँ पे कुरान शरीफ पहली दफ़ा नाजल हुआ था। वैसे इतनी गर्मियाँ मीर है कि वहाँ हमें कोई बंदा नहीं मिलना, हम अकेले ही होंगे। बट वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। जो तो मक्का का फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वो ये था कि बहुत खुश्क इलाका है। बट आई थिंक दैट्स अंडरस्टूड, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, बारिशें कम होती हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। बल्कि ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि जितना हम मक्का के सेंटर की तरफ जा रहे हैं उतना आपको डेवलप इलाका, साफ सुथरी सड़कें और मॉडर्न बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। अच्छा, मेरे बिल्कुल सामने है जबले नूर। इस पहाड़ के अंदर है गारे हिरा। अब इसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, कहाँ हम गाड़ी पार कर सकते हैं और कहाँ से हम हाइकिंग शुरू कर सकते हैं वहाँ तक जाने के लिए। हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितनी हाइक करनी पड़ेगी, कितना रास्ता है, कितना टाइम लगेगा, कितनी टफ है। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि लोग यहाँ पे आते रहते हैं तो उम्मीद है कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सर मौसम का थोड़ा सा इशू है, उसके लिए हमने थोड़ा इंतजाम कर लिया, बाकी फिर अल्लाह वारस है। जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाते रहते हैं तो आपको बैकवर्ड इलाका, टूटी सड़कें और कच्चे घर नज़र आते हैं। इन इलाकों में बेडविंस रहते हैं, जिनको हम अपनी जुबान में बद्दू कहते हैं, और ये लोग ज़्यादातर उसी जगह पर डेरा डालते हैं जहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इनका जो मेन इनकम सोर्स है वो टूरिज़म बन चुका है। ये है जी जाने का रास्ता। चले थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सियारा इतनी पा दे, सियारा ऐ जगह खाली है पाए ना। जैसे में पहाड़ की बेस नजर आई और एक खाली पार्किंग, हमने तो फौरन गाड़ी पार कर दी और वहां से शुरू हुई हमारी हाइकिंग। ये चीज़ हमने बाद में डिस्कवर की कि हमारी गाड़ी अभी काफ़ी आगे आ सकती थी, और इतनी गर्मी में आधे घंटे की हाइक हमने बेमतलब की। एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। आजा आजा, थोड़ा सा रह गया। अरे पहाड़ की चोटी को बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और ना ही को बहुत ज़्यादा मुश्किल हाइक लग रही है, लेकिन मसला है सिर्फ गर्मी का। से लग रहा है कि रास्ता काफी मुश्किल है। बड़ा दुख होता है देख के ना, जो भी ऐसी खूबसूरत जगह होती है ना, लोगों को शर्म नहीं आती यहाँ पे। Thank you.
पीछे का रहे हीरा, यहाँ से गुजर के आप अगली साइड पर जाते हो, वहाँ एक छोटा सा कमरा बना होगा, अहबियाँ कुफार से छुप के बाहर करते रहते थे। और यही वो जगह है जहाँ पे पहली वही नजल हुई थी, अल इकरा जो कुरान की पहली वर्ष, उस जगह पर नजल हुई थी। लोग आते हैं यहाँ पे आके इबादत करते हैं, अंदर दो नवाफिल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर चले जाते हैं। नवाफल पढ़ने का तो मौका नहीं मिला, इतना धक्का पेल चल रहा था यहाँ पे, दो दो घंटे से लाइन में खड़े हैं, इसलिए बाहर ही नमाज पढ़ ली है। यहाँ से वापसी, यहाँ पे जो फीलिंग्स है ना, दैट्स अमेजिंग। लोगों को पता है कि ये वो जगह जहाँ पे हज़रत सलम आके इबादत करते रहे, फिरते रहे यहाँ पे। So relaxing. उसके बाद होटल में वापसी, और जो हमारे होटल की लोकेशन थी बिल्कुल मस्जिद अल हरम के सामने, और जो हमारे कमरे से व्यू नजर आता था, दैट्स अमेजिंग। बहरहाल आज का वीलॉग यहीं पे खत्म करते हैं, शाम को उमरा करने का प्रोग्राम है, और अगले हफ्ते आपको मैं यहाँ कुछ और हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मक्का से मदीना की तरफ अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ है अगले हफ्ते के लिए। लेकिन जो आज का वीलॉग था वो यहीं पे ख़त्म होता है।